हेलो व्यूवर्स, मैं हूं मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मसाला चीज़ पराठा की रेसिपी, जो बस 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। बहुत ही टेस्टी होती है, इवन मैं आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि ये मुझे कितनी टेस्टी लगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। यहाँ पर मैंने रोटी का डो लिया है, जो सिंपली हम रोटी के लिए बनाते हैं वैसा डो हमें बना लेना है। मैंने गेहूं के आटे से बनाया है, आप मैदे से भी इसे बना सकते हैं। एंड यहाँ पर मैंने प्याज लिया है 1 कप, अच्छे से चॉप्ड की हुई। और यहाँ पर हम टोमेटो ले लेंगे 1 कप, बारीक चॉप किए हुए। यहाँ पर हम धनिया पत्ता डाल लेंगे, नमक 1/2 टीस्पून मैंने लिया है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं 1/2 टीस्पून। यहाँ पर हम काली मिर्च का पाउडर ले लेंगे 1/2 टीस्पून। चाट मसाला ले लेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ले लेंगे 1/2 टीस्पून। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसे साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ लिया है, इसे भी हम साइड में रख लेंगे। देखिए 20 मिनट्स हो चुके हैं, अभी हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अभी हम इसकी रोटी बनाएंगे। यहाँ पर हम आटा डस्ट करेंगे। अभी हम इसे रोल कर लेंगे, बिल्कुल थिन हमें रोल करना है। ये देखिए इस तरह थिन होना चाहिए। यहाँ पर मेल्टेड घी मैंने लिया है 1 टीस्पून, आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं इसके प्लेस पे। अच्छे से हम इसे स्प्रेड कर लेंगे मिडल में। अभी जो हमने वेजिटेबल का मिक्सचर बनाया था वो यहाँ पर हम रख देंगे इस तरह। अभी हम यहाँ पर मोज़रेला चीज डालेंगे। हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, आपको बिल्कुल उसी तरह करना है। अभी यहाँ पर एडजस्ट पर हम वाटर अप्लाई करेंगे। दोनों साइड हम वाटर अप्लाई कर लेंगे। इसे भी हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। हम यहाँ जेंटली इसे प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। अभी हम सारे पराठा इस तरह बना लेंगे। तवा ले लेंगे और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर घी डाला है, आप यहाँ पर भी ऑयल यूज कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे कुछ इस तरह। एंड जो पराठा हमने बनाया था वो हम यहाँ पर रख देंगे। अभी हम इसके ऊपर के साइड पर भी घी अप्लाई करेंगे इस तरह। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें पराठे को सेकना है।
इसे पलट लेंगे। साइड्स में हम थोड़ा सा घी डालेंगे। दोनों साइड्स हम इसे अच्छे से बेक करेंगे। आप इसे पलटते रहें थोड़ी थोड़ी देर पर। अभी हम इसे बाहर निकाल लेंगे। पराठा बनकर रेडी है और हम इसे सर्व कर लेंगे।